क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। तो अगर आप भी रविंद्र जाडेजा को एक तूफानी बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए जाएं। दोस्तों शुरू हो चुका है चेन्नई सुपर किंग्स बनाम सिकंदराबाद का आईपीएल 2022 का 17वां मुकाबला। दोस्तों टॉस की अगर हम बात करें तो इस मुकाबले में केन विलियमसन जो कि हैदराबाद के कप्तान है टॉस जीता इन्होंने और गेंदबाजी का किया फैसला। ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स पहले बल्लेबाजी करने उतरी, सीएसके की तरफ से रॉबिन उथप्पा और उनके साथ ऋतुराज गायकवाड़ शुरुआत करने आए चेन्नई सुपर किंग्स की, लेकिन शुरुआत इस बार खराब रही। दोस्तों वाशिंगटन सुंदर की घूमती हुई गेंद पर शॉट तो खेला रॉबिन उथप्पा ने, लेकिन गेंद के नीचे आ गए एडम माक्रम, जिसके चलते इस मुकाबले में रॉबिन उथप्पा 15 रन बनाकर 11 गेंदों का सामना करते हुए अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों उनके ठीक बाद नटराजन ने बुरी तरह से क्लीन बोल कर रख दिया दूसरे सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ को और एक और बार खराब बल्लेबाजी करते हुए ऋतुराज गायकवाड़ 16 रन बनाकर 13 गेंदों का सामना करते हुए नटराजन के हाथों आउट हुए। दोस्तों उनके बाद मोइन अली ने एक अच्छी पारी खेली और 48 रन पर पहुंच चुके थे, तभी छक्का लगाने की चाह में अर्धशतक पूरा करने की चाह में शॉट खेल बैठे और गेंद के नीचे आ गए राहुल त्रिपाठी, जिसके चलते 48 रन बनाकर 35 गेंदों का सामना करते हुए मोइन अली एक अच्छी पारी खेलकर आउट हुए। उनके बाद आते ही शिवम दुबे भी नटराजन की शॉट गेंद को खेल बैठे, लेकिन बॉर्डर के पास खड़े थे उमरान मलिक, जिसके चलते शिवम दुबे इस मुकाबले में सिर्फ 3 रन बनाकर 5 गेंदों का सामना करते हुए अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों उनके बाद बल्लेबाजी करने आए थे सूफानी मुकाबले में अंबती रायडू, लेकिन अंबती रायडू भी 27 रन बनाकर वाशिंगटन सुंदर की गेंद पर एडन मार्ग्रम को अपनी कैच देकर आउट होकर रह गए। उनके बाद महेंद्र सिंह धोनी की वापसी हुई मैदान पर, महेंद्र सिंह धोनी से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन जैसे ही महेंद्र सिंह धोनी के सामने मार्को जेंसन ने शॉट गेंद रखी तो उमरान मलिक गेंद के नीचे आ गए बाउंड्री के पास, जिसके चलते 3 रन बनाकर 6 गेंदों का सामना करते हुए धोनी की बड़ी विकेट मिली हैदराबाद को। उनके बाद मैच को फिनिश करने का जिम्मा था सर जाडेजा के ऊपर, लेकिन जाडेजा भी ये काम नहीं कर पाए। दोस्तों भुवनेश्वर कुमार की बाहर जाती हुई गेंद को खेल तो बैठे सर जाडेजा, लेकिन गेंद बाउंड्री के पार नहीं जा पाई क्योंकि गेंद के नीचे कप्तान विलियमसन ठहर चुके थे, जिसके चलते इस मुकाबले में आखिरी विकेट गिरी जाडेजा के रूप में, जो इस मुकाबले में 23 रन बनाकर 15 गेंदों का सामना करते हुए जाडेजा भी आउट हुए। दोस्तों अंत में आकर क्रिस जॉर्डन ने 3 गेंदों पर 6 रन लगाए और उनके साथ डीजे ब्रावो ने 5 गेंदों पर 8 रन लगाए, जिसके चलते 154 रन लगा पाई 7 विकेट के नुकसान पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। तो दोस्तों आप सीएसके की इस बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों आईपीएल 2022 का अब तक का सबसे रोमांचक मुकाबला पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच में समाप्त हुआ। दोस्तों ये मुकाबला काफी ज्यादा रोमांचक रहा आखिरी ओवर में, जहां राहुल तिवेदिया के सामने ओडियन स्मिथ थे, 2 गेंदों पर 12 रनों की दरकार थी और राहुल तिवेदिया ने 2 छक्के लगाकर ये मुकाबला जीता। लेकिन दोस्तों आप सभी को पता है एक बड़ी गलती पंजाब किंग्स इस मुकाबले में लेट हुई, दोस्तों वरना कब का ये मुकाबला जीत जाती पंजाब किंग्स की टीम। दोस्तों आखिरी ओवर में जब पहली गेंद पर डेविड मिलर के हाथों हार्दिक पांड्या आउट हो गए थे, तभी पूरा मुकाबला बदल गया था क्योंकि 2 नए बल्लेबाज मैदान पर थे, एक्सपीरियंस गेंदबाज थे ओडियन स्मिथ और दोनों ही बल्लेबाज नए थे, सेट नहीं थे, जिसका भरपूर फायदा उठा सकते थे स्मिथ। लेकिन उसके बाद उनसे बड़ी गलती ये हुई, जैसे ही उन्होंने अगली गेंद डेविड मिलर को डाली तो डेविड मिलर ने टच किया और रन लेने के लिए दौड़ पड़े। दूसरे एंड से क्रीज से काफी ज्यादा आगे आ चुके थे राहुल तिवेदिया, उनको रन आउट करने के चक्कर में हड़बड़ी में आकर डायरेक्ट हिट मिस कर बैठे, जो कि आप देख सकते हैं कितनी बड़ी दूरी है, इतना रन आउट नहीं कर पाए ओडियन स्मिथ, जिसके चलते काफी ज्यादा रोमांच हुआ। उसके बाद उन्होंने काफी ज्यादा हल्के में लिया राहुल तिवेदिया को, उन्होंने समझा कि उनसे छोटी सी चूक हो गई है जो उन्होंने राहुल तिवेदिया को आउट नहीं किया। ऐसे में उनकी एक मिस्टेक पूरी तरह से पंजाब किंग्स को लेट हुई, जैसे ही राहुल तिवेदिया को जीवन दान मिला और जैसे उनके सामने वापस से आखिरी 2 गेंदें डालने आए ओडियन स्मिथ, तब राहुल तिवेदिया ने अपने इस जीवन दान का भरपूर फायदा उठाया ओडियन स्मिथ के सामने और 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाकर शानदार तरीके से गुजरात टाइटंस ने मुकाबला जीता और राहुल तिवेदिया ने पूरी तरह से भरपूर फायदा उठाया। पंजाब किंग्स की एक गलती उनके ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ गई। दोस्तों इस पूरे कारनामे पर आपको क्या कहना है, इसका जवाब हमें कमेंट जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों समाप्त हो चुका है पंजाब किंग्स बनाम गुजरात टाइटंस का तूफानी मुकाबला और गुजरात टाइटंस की टीम ने शानदार तरीके से मुकाबला जीत लिया है 6 विकेटों से। इस मुकाबले में 56 रनों की शानदार पारी खेली थी शुभमन गिल ने मैच को जिताने के लिए, तो वहीं आखिरी मोड़ तक मयंक अग्रवाल इस मुकाबले को लेकर आ गए थे अपनी तूफानी कप्तानी से और अंतिम ओवर में सबकी सांसें रुक गई थी। तो आइए आप सभी को बताते हैं आखिरी ओवर का पूरा रोमांच। दोस्तों आखिरी 6 गेंदों पर जीत के लिए 19 रनों की दरकार थी। दोस्तों पहले ही ओवर की पहली गेंद पर ओडियन स्मिथ ने वाइड डाल दी और अब 6 गेंदों पर 18 रनों की दरकार थी। स्ट्राइक पर थे डेविड मिलर और नॉन स्ट्राइकर पर थे हार्दिक पांड्या। दोस्तों वाइड डालने के बाद जैसे ही पहली गेंद डाली ओडियन स्मिथ ने तो डेविड मिलर ने इसे शॉट खेलने के चक्कर में मिस कर दिया। हार्दिक पांड्या को स्ट्राइक देने के चक्कर में दौड़ पड़े, लेकिन जॉनी बेस्टो ने इसका भरपूर फायदा उठाया और दूसरे एंड से रन आउट कर दिया हार्दिक पांड्या को इस तरीके से, जिसके चलते हार्दिक पांड्या 27 रन बनाकर 18 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। के बाद राहुल तिवेदी आए बल्लेबाजी करने के लिए और आते ही एक शानदार सिंगल लेकर स्ट्राइक वापस से डेविड मिलर को दे दी। अब डेविड मिलर ने 4 गेंदों पर 17 रनों को देखकर
कर फ्लिक किया और एक गेंद रेंगते रेंगते गई सीधा बाउंड्री की ओर, जिसके चलते काफी भरपूर फायदा हुआ और रनों की गति आगे बढ़ी। दोस्तों आप सभी को बता, 3 गेंदों पर 13 रन चाहिए थे। उसकी अगली गेंद पर सिंगल लेकर डेविड मिलर ने स्ट्राइक दे दी राहुल त्रिवेदिया को, जिसके चलते 2 गेंदों पर 12 रनों की दरकार थी और मुकाबला काफी ज्यादा रोमांचक हो चुका था। ओडियन स्मिथ ने जैसे ही गेंद फेंकी तो राहुल त्रिवेदिया ने स्टंप्स के आगे आकर बेहतरीन तरीके से बल्ले को फ्लिक किया और गेंद गई सीधा अंतरिक्ष में, जिसके चलते 6 रन मिले गुजरात टाइटंस को और अब मुकाबला और भी ज्यादा रोमांचक हो चुका था क्योंकि एक गेंद पर 6 रन चाहिए थे। आखिरी गेंद जैसे ही वापस से सेम लेंथ पर रखी ओडियन स्मिथ ने तो वापस से तूफानी बल्ला फिराया राहुल त्रिवेदिया ने। जब तक गेंद हवा में थी सभी की सांसें रुक गई थी, लेकिन गेंद गई बाउंड्री के पार, जिसके चलते आखिरी गेंद पर 6 रन लगाकर राहुल त्रिवेदिया ने तूफानी मुकाबला जिताया गुजरात टाइटंस को। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आखिरी ओवर का पूरा रोमांच, हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों समाप्त हो चुका है पंजाब किंग्स बनाम गुजरात टाइटंस का आईपीएल 2022 का तूफानी मुकाबला, तो आइए आपको बताते हैं पूरी हाइलाइट्स। दोस्तों शुरू हो चुका है पंजाब किंग्स बनाम गुजरात टाइटंस का आईपीएल 2022 का 16वां मुकाबला। दोस्तों टॉस की अगर हम बात करें तो इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और गेंदबाजी का किया फैसला। ऐसे में पहले बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब किंग्स की टीम, शुरुआत खराब रही। दोस्तों मयंक अग्रवाल इस तरीके से शॉर्ट गेंद पर शॉट लगाने के चक्कर में कैच दे बैठे। दोस्तों इस मुकाबले में मयंक अग्रवाल हार्दिक पांड्या की गेंद पर जो ही कप्तान है राशिद खान को कैच दे बैठे और 5 रन बनाकर 9 गेंदों का सामना करते हुए मयंक अग्रवाल आउट हुए। उनके बाद तीसरे नंबर पर जॉनी बेस्ट आए थे जो अपना पहला मुकाबला खेल रहे थे। वो की लूकी फर्गसन की इस गेंद पर बगल में खड़े राहुल त्रिवेदिया को अपनी कैच दे बैठे, जिसके चलते बेस्ट 8 रन बनाकर 8 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। उनके बाद मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे शिखर धवन। दोस्तों आप सभी को बताते ज्यादा देर मैदान पर शिखर धवन भी नहीं टिक पाए। दोस्तों राशिद खान की इस घूमती हुई गेंद को धवन पढ़ नहीं पाए, बल्ले का हल्का सा एज लेकर विकेट कीपर मैथ्यू वेट की गोदी में जाकर गिरी गेंद, जिसके चलते शिखर धवन 35 रन बनाकर 30 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। लेकिन उसके बाद मैच को बदलने का दम लिया लियाम लिविंगस्टोन ने, जिसने इस मुकाबले की कहानी बदल कर रख दी। दोस्तों लेकिन दूसरे एंड से विकेटों का पतंग जारी रहा, लेकिन दूसरे एंड से लियाम लिविंगस्टोन भी तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों इस मुकाबले में लियाम लिविंगस्टोन ने अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया और पंजाब किंग्स को एक बड़े टोटल तक पहुंचाने का जिम्मा उठाया लियाम लिविंगस्टोन ने, लेकिन विकेटों का पतंग जारी रहा। दूसरी तरफ से जितिन शर्मा जो विकेट कीपर है, ये भी दर्शन की इस गेंद को हवा में खेल बैठे और गेंद के नीचे शुभमन गिल आ गए, जिसके चलते इस तूफानी मुकाबले में आउट होकर रखे जितिन शर्मा 23 रन बनाकर 11 गेंदों का सामना करते हुए। ऐसे में इनके बाद ओडियन स्मिथ भी जोश में आकर बड़ा शॉट को खेल बैठे, लेकिन ये भी जाकर गिरी गेंद सीधा फील्डर की गोदी में, चलते ओडियन स्मिथ इस तूफानी मुकाबले में 0 रन बनाकर 1 गेंद का सामना करते हुए अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे थे लियाम लिविंगस्टोन जो तूफानी फॉर्म में थे, तभी ये भी राशिद खान की इस गेंद को छक्का लगाने की चाह में खेल तो बैठे, लेकिन बाउंड्री के सामने डेविड मिलर खड़े थे जो कि एक शानदार फील्डर है और इन्होंने इनकी कैच लपक ली। 64 रन बनाकर 27 गेंदों का सामना करते हुए लियाम लिविंगस्टोन अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। उनके बाद इस तरह से शाहरुख खान LBW आउट होकर रह गए। दोस्तों इस मुकाबले में शाहरुख खान आउट हो गए LBW 15 रन बनाकर 8 गेंदों का सामना करते हुए राशिद खान की गेंद पर। उनके बाद ककिसोरा पाड़ा इस तरीके से रन आउट हो बैठे। दोस्तों विकेटों का पूरी तरह से पतंग हो गया आखिरी में पंजाब किंग्स का, जो 1 रन बनाकर अपाड़ा इस मुकाबले में 1 गेंद का सामना करते हुए अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। उनके बाद इस तरीके से बोल्ड होकर रह गए वैभव अरोरा शामी की बगरारी गेंद पर, जिसके चलते ये इनकी 9वीं विकेट गिरी। ऐसे में अंत में मैच को फिनिश किया राहुल चहर ने, जिन्होंने इस मुकाबले में 22 रनों की तूफानी पारी खेली 14 गेंदों में, जिसके चलते 190 रन लगा दिए हैं 9 विकेट के नुकसान पर पंजाब किंग्स ने अपने निर्धारित 20 ओवर में, और गुजरात टाइटंस को 190 रन लगाने हैं ये जीतने के लिए तूफानी मुकाबला। ऐसे में इतने टारगेट का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस की टीम। दोस्तों शुरुआत की अगर हम बात करें तो गुजरात टाइटंस की शुरुआत शुभमन गिल ने तो शानदार दिलाई थी, लेकिन पहली विकेट सामने वाले बल्लेबाज जो कि मैथ्यू वेट थे उनके रूप में गिरी। दोस्तों मैथ्यू वेट ज्यादा बड़ी पारी नहीं खेल पाए, बाहर जाती हुई गेंद पर रबाड़ा की एज दे बैठे और पीछे विकेट कीपर जॉनी बेस्टो ने इनकी शानदार कैच पकड़ी, जिसके चलते पहली विकेट गिरी मैथ्यू वेट के रूप में, जो इस तूफानी मुकाबले में 6 रन बनाकर 7 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। तो उनके बाद तीसरे नंबर पर आए थे साई सुदर्शन। दोस्तों ये भी राहुल चहर की गेंद पर 35 रन लगाकर 30 गेंदों का सामना करते मयंक अग्रवाल को अपनी कैच दे बैठे इस तरीके से, और इस मुकाबले में साई सुदर्शन 35 रन बनाकर आउट हो गए। 200 नंबर 4 पर आए थे हार्दिक पांड्या। दोस्तों हार्दिक पांड्या ने भी इस मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की और ये बेहतरीन साथ दे रहे थे शुभमन गिल का। दोस्तों शुभमन गिल ने इस मुकाबले में धाकड़ बल्लेबाजी की और अपना अर्धशतक पूरा किया। ऐसे में अपने शतक के ऊपर नजरें गड़ा बैठे थे शुभमन गिल इस तूफानी मुकाबले में और जीत को आगे लेकर जा रहे थे गुजरात टाइटंस की तरफ से, तो वहीं हार्दिक पांड्या भी इनका शानदार साथ दे रहे थे। लेकिन तभी कहानी में एक और ट्विस्ट आ गया। दोस्तों शुभमन गिल के हाथों हुई सबसे बड़ी गलती। दोस्तों आप सभी को बता दें रबाड़ा की बाहर जाती हुई गेंद पर अपना चौका लगाकर सेंचुरी पूरी करने की चाह में ड्राइव कर बैठे शुभमन गिल, लेकिन गेंद गिरी सीधा जाकर मयंक अग्रवाल के हाथों और 4 रन से अपने शतक से चूक गए शुभमन गिल। 56 रन बनाकर 59 गेंदों पर शुभमन गिल धाकड़ बल्लेबाजी कर आउट हुए। दोस्तों आखिरी ओवर में काफी ज्यादा रोमांच हुआ, जहां हार्दिक पांड्या और डेविड मिलर बल्लेबाजी कर रहे थे और आखिरी 6 गेंदों पर जीत के लिए 18 रन चाहिए थे। दोस्तों पहली गेंद इस तरीके से डेविड मिलर रन लेने के चक्कर में हार्दिक पांड्या को दूसरे एंड से रन आउट करा बैठे, और इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या आखिरी ओवर में 27 रन बनाकर 18 गेंदों का सामना करते हुए आउट हो।
होकर रह गए। उनके बाद बल्लेबाजी करने आए थे राहुल त्रिवेदिया और अंत में आकर ये गेंद काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका था गुजरात टाइटंस के लिए क्योंकि दो गेंदों पर 12 रनों की दरकार थी। स्ट्राइक पर थे राहुल त्रिवेदिया। दोस्तों आप सभी को बता दें काफी ज्यादा रोमांच हुआ यहीं पर इस तूफानी मुकाबले में। राहुल त्रिवेदिया ने ओडियन स्मिथ की इस गेंद पर बड़ा शॉट लगाया और गेंद गई सीधा स्टेडियम के पार जिसके चलते छक्का हो गया और अब जीत के लिए एक गेंद पर 6 रन चाहिए थे। ऐसे में उसकी अगली गेंद पर राहुल त्रिवेदिया ने एक और बार बल्ले को जोर से घुमाया और ये भी गेंद गई सीधा स्टेडियम में जिसके चलते राहुल त्रिवेदिया ने दो गेंदों पर 12 रन लगाकर गुजरात टाइटंस को 6 विकेटों से विजेता बनाया। जी हां दोस्तों एक शानदार यादगार और बेहतरीन जीत गुजरात टाइटंस के नाम 6 विकेटों से शानदार जीत हासिल की गुजरात टाइटंस ने। तो दोस्तों आप राहुल त्रिवेदिया की इस तूफानी फिनिशिंग को 10 में से कितने नंबर देंगे इसका जवाब हमें कमेंट में एक बात जरूर बता दें।